कि हम लोगों ने चाक बोर्ड से स्कूल में पढ़ाने का सफ़र शुरू किया था, लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा स्मार्ट बोर्ड है जिस स्मार्ट बोर्ड पर हम अपने बच्चों को बोर्ड की तरह ही, चाक बोर्ड की तरह ही अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टीचर अगर विद्यालय में अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत कर सकता है, इंटरैक्टिव वे में प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें यहाँ पर विजुअल डिस्प्ले भी उनको देखने को मिलेगा, वीडियोस देखने को मिलेंगी जिन वीडियोस से वो डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, विजुअल इम्पैक्ट बढ़ेगा स्कूल्स का और बच्चों के बीच में उससे उनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं चंद्रमौली मिश्रा आज आपके बीच में एक और जानकारी से भरा वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो विद्यालयों के लिए और विद्यालयों के प्रबंधन के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है। जैसा कि आप मेरे बोर्ड पर, पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे होंगे कि आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है विद्यालयों में आधुनिक उपकरणों के उपयोग की क्या आवश्यकता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्कूल्स में बच्चों के पढ़ाने का सफ़र चाक बोर्ड से शुरू होकर के आज, जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड तक पहुंच चुका है। तो आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि इस तरह के स्मार्ट बोर्ड या इससे रिलेटेड अन्य उपकरणों का उपयोग करके हम अपने स्कूल्स को, अपने विद्यालयों को या विद्यालय के प्रबंधन को किस तरीके से लाभ पहुँचा सकते हैं और इससे उनके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को क्या लाभ हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल को और उसके प्रबंधन को होने वाले लाभ की। तो विद्यालयों में अगर हम आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ जो समझ में आती है वो ये होती है कि स्कूल्स हमारे अपने ब्रांड बिल्डिंग में इस तरह के उपकरणों का प्रयोग करके अपनी ब्रांड को काफ़ी आगे तक ले जा सकते हैं, यानी अपने ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपने स्कूल को बहुत अधिक दूरी तक पहुंचा सकते हैं, लोगों के बीच में लोकप्रिय बना सकते हैं। ब्रांड बिल्डिंग क्या करता है कि जो ही आपके स्कूल की ब्रांड बिल्डिंग होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास, आपके बच्चों के बीच में आपके स्कूल की एक अलग ही इमेज क्रिएट होती है और इस इमेज के क्रिएट होने की वजह से नंबर ऑफ एडमिशंस, जो कि किसी भी स्कूल्स के लिए सबसे पहली चीज़ होती है, वो बढ़ने शुरू हो जाती है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि विद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा होता है। ब्रांड बिल्डिंग हमारे लिए ऐसे काम करता है। अत्याधुनिक उपकरणों का अगर हम प्रयोग करते हैं और हमारी ब्रांड बिल्डिंग होती है, और अगर ब्रांड बिल्डिंग से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रांडिंग होने के साथ ही साथ ब्रांड के बढ़ने से हमारी क्रेडिबिलिटी भी मार्केट में बढ़ जाती है। क्रेडिबिलिटी के ही मार्केट में बढ़ते ही, क्रेडिबिलिटी आपको पता है हमारी विश्वसनीयता, हम विश्वसनीय कितने हो जाते हैं मार्केट में, या कह लीजिए अपने अभिभावकों के बीच में, अपने बच्चों के अभिभावकों के बीच में हम कितने क्रेडिबल हो जाते हैं, ये हमारे लिए आधुनिक उपकरणों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सबसे बड़ी सुविधा है। क्रेडिबिलिटी जो ही बढ़ती है हमारी मार्केट में या हमारे अभिभावकों के बीच में, हमारे बच्चों के अभिभावकों के बीच में क्रेडिबिलिटी के बढ़ने से ही, जो एक स्कूल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है या किसी एक विद्यालय की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, वो होती है प्रॉफिट गेन करना। तो हमारे स्कूल की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। स्कूल की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने से जो स्कूल को जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, वो उनके ब्रांचेज में वो अपने इजाफा कर सकते हैं, कई सारे ब्रांचेज ओपन कर सकते हैं, कई सारे ब्रांचेज को ओपन करके अपने इन अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके अन्य बहुत सारे बच्चों को अपने स्कूल से जोड़ करके स्कूल की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं और समाज में उन बच्चों को एक ऊंचा स्थान भी दे सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हम अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं तो हम अपने स्कूल की स्केलेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। इन उपकरणों की अगर बात की जाए तो हमारे सामने आप देख भी रहे होंगे कि मैंने एक बात की शुरुआत ही की थी कि हम लोगों ने चाक बोर्ड से स्कूल में पढ़ाने का सफ़र शुरू किया था, लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा स्मार्ट बोर्ड है जिस स्मार्ट बोर्ड पर हम अपने बच्चों को बोर्ड की तरह ही, चाक बोर्ड की तरह ही अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टीचर अगर विद्यालय में अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत कर सकता है, इंटरैक्टिव वे में प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें यहाँ पर विजुअल डिस्प्ले भी उनको देखने को मिलेगा, वीडियोस देखने को मिलेंगी जिन वीडियोस से वो डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, विजुअल इम्पैक्ट बढ़ेगा स्कूल्स का और बच्चों के बीच में उससे उनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसके बाद आज के समय में जो सबसे अत्याधुनिक बात अगर की जाए तो वो होती है कंटेंट की।
हमारे पास जो स्कूल में जो भी स्कूल है वो किसी न किसी बोर्ड से या तो अफिलिएट होता है या फिर अपने कंटेंट स्वयं तैयार करता है। अफिलिएशन तो बहुत ही आवश्यक चीज़ है, ये आप सभी विद्यालय के लोग समझते ही होंगे कि बिना अफिलिएशन के विद्यालय को चलाना ही संभव नहीं है। तो अगर हम किसी भी बोर्ड से अफिलिएट करते हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड हो गया या ICSE बोर्ड हो गया, या जैसे कि मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में उपस्थित हूँ, तो उत्तर प्रदेश में अगर किसी विद्यालय को हमको खोलना है तो हम उत्तर प्रदेश बोर्ड से भी अपने विद्यालय को अफिलिएट कर सकते हैं। तो अभी मैंने बात की शुरुआत अफिलिएशन के बाद की शुरुआत कंटेंट से की थी। तो हमारे पास हम अपने अत्याधुनिक उपकरणों में आज के समय में कंटेंट को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कंटेंट मीन्स बच्चे को नर्सरी से लेकर के 12th क्लास तक के सभी सब्जेक्ट के बारे में, जो भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी वर्कशीट्स हैं, जो एग्जामिनेशन पेपर्स हैं, वो सारे की सारी चीज़ें हम स्मार्ट बोर्ड के साथ आपको पढ़ाते हैं, स्मार्ट बोर्ड के साथ आपको दे देते हैं, जिसका प्रयोग करके बच्चे और टीचर दोनों एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्ट हो जाते हैं। ये तो एक ऐसी बात हुई जो किसी एक क्लास में हम अपने बच्चों के साथ जुड़ करके ऑफलाइन बच्चों को इस कंटेंट और इस बोर्ड की सहायता से उनको हम इंटरैक्टिवली चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे बात करी थी स्केलेबिलिटी की। ऐसा भी संभव है कि किसी स्कूल में ऐसा एक फैकल्टी हो, जो कि होता है, जो कि बच्चों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय हो, जिसके पढ़ाने का मेथड बहुत अच्छा हो, तो स्कूल के जो अन्य ब्रांचेज हैं जिनमें अन्य बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी चाहते हों कि हमारे पास भी वही टीचर या वही अध्यापक हो जो एक हमारे हेड ब्रांच में या किसी एक ब्रांच में जो सबसे लोकप्रिय है, जो बच्चों से ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहा है। तो उसके लिए भी आज के इन अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग करके हम अपने उस टीचर को लाइव लेकर के अपने हर ब्रांचेज में जा सकते हैं, जिसके लिए जिन अन्य उपकरणों की आवश्यकता होगी उसमें एक उपकरण होता है जिसको हम नाम देते हैं PTZ कैमरा। इस कैमरा की सहायता से हम अपने द्वारा किसी भी ब्रांच पर ली जा रही क्लास को लाइव अपने अन्य ब्रांचेज में भी एक साथ ले जा सकते हैं, और इस वजह से हमारी जो उस अध्यापक की लोकप्रियता है या उस अध्यापक से बच्चों के कनेक्ट होने का जो रेशियो है वो और बढ़ सकता है, और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, फिर से एक बार हम यहाँ पर आएंगे, यानी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी फिर बढ़ सकती है। तो इस तरीके से अन्य तमाम तरह के उपकरणों का प्रयोग करके एक विद्यालय आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके अपने ब्रांड की बिल्डिंग कर सकता है, क्रेडिबिलिटी की में वृद्धि कर सकता है, प्रॉफिट को बढ़ा सकता है और अपने कई सारे अन्य ब्रांचेज को भी ओपन कर सकता है। नमस्कार।